नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज फिर से हम लोग बौद्ध धर्म का इतिहास पढ़ने वाले हैं और आज का जो इतिहास होगा आप लोग का पार्ट थर्ड होने वाला है। तो इससे पहले हम लोगों ने पार्ट वन और पार्ट टू के बारे में अच्छे से जानकारी यानी कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने जानकारियाँ ले ली है। और आज के इस वीडियो हम लोग क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले इसको समझिएगा। तो बौद्ध धर्म यानी जिसके संस्थापक गौतम बुद्ध माने जाते हैं, उससे संबंधित आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्रजयान शाखा के बारे में, मतलब बौद्ध धर्म का ही एक और शाखा ब्रजयान शाखा के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। उसके बाद हम लोग बौद्ध साहित्य यानी बौद्ध धर्म यानी बौद्ध काल में जो साहित्य का रचना हुआ था, जो पुस्तकें जिनके द्वारा लिखी गई थी और उस पुस्तक की खासियत क्या है उसके बारे में जानेंगे और इसी वीडियो में इनको याद भी करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भारत में बौद्ध धर्म का पतन का क्या कारण था, ऐसा कौन सा कारण था, बहुत सारे कारण थे जिसके कारण बौद्ध धर्म का पतन यानी भारत में से बौद्ध धर्म विलुप्त हो चुका था, इसको हम लोग समझने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को हमने यहाँ पे लिख लिया है जो कि आप लोग को नोट्स के तौर पे काम करेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं ब्रजयान शाखा के बारे में। ब्रजयान शाखा क्या है? तो ब्रजयान शाखा को हमेशा से बौद्ध धर्म से जोड़ करके ही देखा जाता है। इस शाखा की खासियत क्या थी कि इसकी बहुत बड़ी खासियत यह थी कि बौद्ध धर्म को पीछे करने में यानी कि बौद्ध धर्म के पतन में सबसे बड़ा हाथ जो है ब्रजयान शाखा का माना जाता है। तो ब्रजयान शाखा का उदय कब हुआ था इसको समझिएगा, 7वीं शताब्दी में, मतलब ईसवी के बाद। तो आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म का उदय कब हुआ था, ये धर्म का उदय कब हुआ था, तो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में। और ये शाखा बौद्ध धर्म से ही संबंधित ये शाखा है, जैसे कि आप लोग पढ़े थे महायान शाखा, हीनयान शाखा, उसी प्रकार से एक ब्रजयान शाखा का भी उदय आगे चल के होता है जो कि 7वीं शताब्दी में, मतलब ईस्वी के बाद। एक बहुत बड़ा डिफरेंस कि बौद्ध धर्म का उदय और ब्रजयान शाखा का उदय, बहुत एक डिफरेंस होता है बीच में, उसको समझिएगा। तो 7वीं शताब्दी में इसका जन्म होता है, मतलब इसका उदय होता है। इसका खासियत क्या था कि ये जो ब्रजयान शाखा थी, मतलब कि एक घटिया प्रकार की शाखा बौद्ध धर्म से संबंधित था, मतलब वो सारे नियम जो बुद्ध भगवान के द्वारा बनाए गए थे, बुद्ध के द्वारा, गौतम बुद्ध के द्वारा बनाए गए थे, वो सारे नियम का उल्लंघन आपको इस ब्रजयान शाखा में देखने के लिए मिल जाता है। ये लोग जो थे काफी ज्यादा अपडेट थे, मतलब महायान वाला जितना अपडेट था उसके बाद ये एक और अपडेट था, मतलब कि इसमें और ज्यादा पाखंड को देखा जा रहा था, बहुत सारा दिखावा का चीज, चढ़ावा का चीज, मतलब एकदम ये धर्म जो है अपने अनुसार बढ़ चुका था। इसीलिए इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि पतन का बहुत बड़ा हाथ जो बौद्ध धर्म में माना जाता है, क्योंकि किसी भी धर्म में जब आडंबर वगैरह बढ़ने लगते हैं, क्योंकि इस धर्म में प्रवेश, बौद्ध धर्म में प्रवेश बहुत लोग क्यों किए थे, इसीलिए ना कि मतलब वहाँ पर आडंबर नहीं है, वहाँ पर मतलब बहुत सारा कानून वगैरह खराब है, तो उसको यहाँ पर हम आते हैं, इस धर्म को अपनाते हैं, यहाँ पर हमें एक समान अधिकार मिलेगा, एक समानता के रूप में हमें देखा जाएगा, इसलिए सब बौद्ध धर्म को ज्वाइन किए थे। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारा पाखंड वगैरह देखा जाने लगा आगे चल करके। इस भी देख रहे हैं आप 7वीं शताब्दी, मतलब बहुत आगे जा चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस धर्म में, मतलब ब्रजयान शाखा में, इसमें बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र बढ़ चुका था, आडंबर बढ़ चुके थे बौद्ध भिक्षुकों का, मतलब अजीब सा व्यवहार हो चुका था उस समय ब्रजयान शाखा में, रहीसी ज़्यादा हो चुका था। तो इस चीज़ को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था बौद्ध धर्म पे, और बौद्ध धर्म में पतन का कारण भी माना जाता है ब्रजयान शाखा को एक तरह से, और भी बहुत सारे कारण हैं उसको हम समझेंगे। तो ये समझ गए कि आपसे क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट रूप से कि ब्रजयान शाखा का संबंध किस धर्म से है, तो किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से जोड़ करके देखा जाता है। और ये भी पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म में पतन का कारण क्या था, तो ऑप्शन में ब्रजयान शाखा अगर मिलेगा तो वो भी आप वहां पे टिक लगा। अब आइए हम लोग बौद्ध साहित्य को समझने का प्रयास करते हैं कि मतलब बौद्ध काल में ऐसे कौन कौन से पुस्तकें लिखी गई थी जिसको एग्जाम में भी बराबर पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि बुद्ध चरित का रचना जो है अश्वघोष के द्वारा किया गया था। अश्वघोष जो थे बौद्ध धर्म के विद्वान माने जाते हैं, तो इन्हीं के द्वारा जो है बौद्ध धर्म का एक बहुत ही खास पुस्तक बुद्ध चरित को लिखा गया था। इसे हम लोग बौद्ध धर्म का रामायण के नाम से भी जानते हैं, मतलब बौद्धों का रामायण। आपसे पूछा है कि किसे कहा जाता है, तो अश्वघोष के द्वारा लिखा गया बुद्ध चरित को हम लोग बौद्धों का रामायण के नाम से जानते हैं। तो इसकी रचना खास थी, इसीलिए आपको याद रखना है। इसमें बहुत सारे विस्तार, मतलब बुद्ध के नियम संबंधित, बुद्ध के जीवन संबंधित बहुत सारे बातों को इसमें नोट किया गया है, इसीलिए खास है। तो अश्वघोष के द्वारा लिखा गया बुद्ध चरित। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक को देखते हैं मिलिंद पन्हों। ये भी काफी बार पूछा गया है एग्जाम में, आप लोग को याद करना है इसको। तो मिलिंद पन्हों जो पुस्तक है इसका मतलब होता है मिलिंद के प्रश्न। ये मिलिंद कौन है, तो एक यूनानी, मतलब भारतीय यूनानी शासक था मिनांडर, इसी को हम लोग मिलिंद के नाम से जानते हैं। और बौद्ध विद्वान नागसेन के बीच जो संवाद हुआ था, मतलब वाद विवाद होता है, प्रश्न और उत्तर, प्रश्न प्रतिउत्तर जो हुआ था, उसी सब बातों को मतलब एक डायरी के तौर पर नोट किया गया है, उसी को हम लोग मिलिंद पन्हों बोलते हैं। मिलिंद पन्हों का अर्थ होता है मिलिंद के प्रश्न, और उत्तर किसके, तो नागसेन के। ये पुस्तक का खासियत यही था कि मिलिंद पन्हों नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो नागसेन नामक बौद्ध विद्वान ने किया था। जिसमें खासियत क्या है, तो भारतीय यूनानी मिनांडर प्रथम
के संवाद और बौद्ध विद्वान नागसेन के संवाद को ऐड किया गया, उसमें बताया गया, ठीक है, ये हो गया आप लोग का। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं जातक कथा के बारे में। जातक कथा का संबंध बौद्ध धर्म से है, बराबर पूछा था आप लोग से। इसमें क्या कहा गया है कि बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित सारी कथाओं को इसमें ऐड किया गया है जातक कथा में। तो जातक कथा का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। किससे है? तो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म के इतिहास से है, मतलब उसी के सारे कथाओं को इसमें ऐड किया गया है पूर्व जन्म का। और इसका जो वर्णन सुप्त पीटक में भी आपको मिलता है। सुप्त पीटक क्या है? तो त्रिपीटक का सबसे पहला पीटक, आपको बताया था सबसे पहला ग्रंथ जो कि पाली भाषा में लिखा गया था, सुप्त पीटक में भी इसका वर्णन मिलता है, किसका? जातक कथा का। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि उस समय के बौद्ध काल के बौद्ध शिक्षा का केंद्र सबसे महत्वपूर्ण कौन था, मतलब जहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी जाती थी, बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे एडमिशन लेते थे, वो शिक्षा का केंद्र कौन था? तो सबसे पहले आप लोग को तो याद रखना है नालंदा, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस था उस समय में। और दूसरा है हमारा विक्रमशिला, ये दोनों में सबसे ज़्यादा फेमस यही था, लेकिन विक्रमशिला भी उस समय में बौद्ध शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था, तो इसको भी आप लोग को ध्यान। अब आइए हम लोग सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पे ध्यान देने का प्रयास करते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म का पतन का क्या कारण था, ऐसा कौन कौन सा बिंदु था इसके कारण भारत में जो है बौद्ध धर्म एकदम विलुप्त हो चुका था। तो बहुत सारे कारण है, उसको समझेंगे हम लोग। वो समय था 12वीं शताब्दी का, कि 12वीं शताब्दी तक आते आते भारत से जो है बौद्ध धर्म लुप्त हो चुका था। इसका मतलब यह कि पहले से यह प्रक्रिया चल रही थी। जैसे कि आप देखेंगे जब बात करेंगे हम दक्षिण भारत के इतिहास का, तो यहां पे जो है ना 7वीं शताब्दी से ही यहां पे पतन स्टार्ट हो चुका था बौद्ध धर्म का, यानी कि बहुत सारे आडंबर वगैरह भर चुके थे, कुछ इसका भी योगदान था ब्रजयान शाखा का। तो यहाँ पे दक्षिण भारत में स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? तो 7वीं शताब्दी में जो बौद्ध धर्म का पतन स्टार्ट हो चुका था। लेकिन अगर पूरा भारत का बात कर लें तो आप देखेंगे 12वीं शताब्दी तक जाते जाते, मतलब ईस्वी के बाद 1200 ईस्वी तक जाते जाते आप देखेंगे भारत से जो है लगभग लुप्त हो चुका था बौद्ध धर्म। इसके बहुत सारे कारण थे, सबसे पहले हम एग्जाम्पल को समझने वाले हैं। तो पाखंडों का भर जाना, आप लोग एग्जाम्पल हम साफ तौर पर लिख दिए ताकि आप लोग नोट भी कर सकते हैं और बाद में जब वीडियो भी देखें तो आप लोग को आसानी समझ में आ जाए। तो पाखंडों का भर जाना यानी बहुत सारा दिखावा वगैरह इसमें होने लगा। अभी के जो भी मतलब इसमें साधु वगैरह आ चुके थे, भिक्षुक वगैरह आ चुके थे, वो बहुत ज्यादा अपडेट थे, बहुत ज्यादा शौकीन हो चुके थे, क्योंकि धर्म आगे जा चुका था। गौतम बुद्ध थे नहीं, उनकी तो मृत्यु बहुत ही पहले हो चुकी थी, और इस धर्म में अपने आप से ही परिवर्तन करने की प्रवृत्ति सब में आ चुकी थी। बहुत सारे राजा कहने पर बहुत सारे नियम को इसमें लागू कर दिया गया, और इसी चीज से क्रोधित होकर के बहुत सारे लोग इस धर्म को छोड़ने लगे, त्यागने लगे, और इसका विरोध भी करने लगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस धर्म को इसलिए अपनाए थे कि इसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ थी, मतलब किसी भी जाति धर्म के लोग इसमें एडमिशन ले सकते थे, इसमें इसके नियम को पालन कर सकते थे, निर्वाण की प्राप्ति कर सकते थे, इसीलिए तो इसमें आए थे। लेकिन देखिए आगे चल के कि इसमें पाखंड भरने लगा, तो पाखंडों का भर जाना भी बहुत बड़ा कारण इसका बनता है। फिर देखेंगे हम लोग पाली भाषा से संस्कृत भाषा को अपनाने लगा। आप लोग को हम बताए थे कि शुरुआती बौद्ध धर्म में क्या था कि जितने भी उपदेश दिए जाते थे, सभाएँ की जाती थी, ग्रंथ लिखे जाते थे, सब पाली भाषा में किया जाता था। पाली भाषा उस समय का जनसाधारण की भाषा थी, मतलब जन सामान्य की भाषा थी, लोग उसी को समझते और पढ़ते थे, तो बहुत आसान होता था लोगों को समझाना। जैसे अभी हम जो बोल रहे हैं वो हिंदी भाषा है, और हिंदी भाषी जितने भी लोग हैं उसको समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर जो अंग्रेजी जानते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो उनको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि वो हिंदी अगर नहीं जानेंगे तो बिल्कुल भी नहीं समझेंगे। लेकिन हल्का फुल्का अगर हिंदी जानते हैं तो वो समझ सकते हैं, लेकिन जो कन्नड़ जानते हैं, तेलुगु जानते हैं, बंगाली जानते हैं, मलयालम जानते हैं, तो वो इस भाषा को नहीं समझ पाएंगे। तो उस समय जो लोग थे, पाली भाषा ऐसा था कि नॉर्मल भाषा था, सब जानते थे, तो उसका यूज किया करते थे गौतम बुद्ध अपने उपदेश में भी, और भी सारे भिक्षुक वगैरह ग्रंथ में भी इसका उपयोग होता था। लेकिन जैसे ये धर्म आगे बढ़ते गया, बहुत ज्यादा ऊंचाइयों को छूने लगा, तो ये अपना प्रारंभिक स्थिति को त्याग करके संस्कृत भाषा को अपना लिया, यानी कि ये भाषा जो है उस समय का विद्वानों की भाषा मानी जाती थी संस्कृत भाषा, नॉर्मल तौर पर इसको यूज नहीं किया जाता था। तो इसको भी एक कारण माना जाता है कि इसका पतन का कारण, लोग इससे दूर होने लगे थे, दूरी बनाने लगे थे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग मूर्ति पूजा का प्रारंभ। ये मूर्ति पूजा तो आप लोगों को बताया थे बहुत खास था महायान वालों के लिए, क्योंकि वहाँ पे बुद्ध को जो है बुद्ध भगवान मान करके वो मूर्ति पूजा स्टार्ट कर दिए थे, है ना, भगवान भी मान लिए थे, क्योंकि बुद्ध ने खुद कहा है कि हमें ईश्वरवाद में विश्वास नहीं है, मतलब ईश्वर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन खुद उन्हीं के संप्रदाय के लोग, उनके खुद के लोग उनको भगवान मान करके उनके मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिए गंधार शैली में। तो ये भी एक माना जाता है कि यहाँ से भी धर्म जो है विपरीत दिशा में जाने लगा। फिर देखते हैं हम लोग उपासक से अधिक चढ़ावा लेने लगे। तो एक नया शब्द जो आपके सामने आया, ये उपासक क्या होता है? तो सन्यासी जीवन को व्यतीत करते हुए जो लोग मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं उसे हम बोलते हैं भिक्षुक। लेकिन जो गृहस्थ जीवन को अपना चुके हैं, मतलब सुख सुविधा में जी रहे हैं और फिर भी बौद्ध धर्म का नियम का पालन कर रहे हैं, बौद्ध धर्म में एंट्री ले चुके हैं, उसको हम लोग उपासक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि मतलब इसके नियम का पालन नहीं भी करते थे,
और वो गृहस्थ जीवन को जीते थे, फिर भी बौद्ध धर्म में एंट्री मिल चुका था क्योंकि धर्म तो अपडेट हो चुका है, तो वहाँ पे कुछ भी नियम बन गया था। तो उसी को हम लोग उपासक के तौर पे जानते हैं, जो गृहस्थ जीवन जीते हुए भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता है वो उपासक कहलाता है। तो इन्हीं के द्वारा अधिक चढ़ावा दिया जा रहा था, चढ़ावा का मतलब धन दौलत, बहुत सारा वस्तु वगैरह दिया जाता था दान के रूप में। तो इससे भी क्या हुआ कि धर्म में मतलब मेहनत करना लोग चाहे नहीं, भिक्षुक वगैरह सोच रहे हैं कि सब चीज़ तो ऐसे ही मिल जा रहा है, मतलब कि अब समझिए कि वो सांसारिक मोह माया में फंस रहे हैं, वो लोभ की वस्तुओं पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इस कारण से भी ये धर्म जो है पीछे चलते चल गया। अब देखेंगे हम लोग राजाओं से भी संपत्ति दान मिलने लगा, उस समय के जो उस राज के उस साम्राज्य के जो राजा थे उनके द्वारा भी बौद्ध धर्म को जो है, ये कब हुआ, ये 12वीं शताब्दी से पहले का घटना बता रहे हैं, मतलब जब पहली शताब्दी था, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी, यहां पे तो जाकर धर्म खत्म हो चुका था, मतलब इतना खराब हो गया था कि लोग इसका बहिष्कार करना शुरू कर दिए थे। लेकिन जब स्थिति अच्छा थी, मतलब स्थितियां अच्छी थी, तब ना इसको दान मिल रहा होगा, संपत्ति दान में मिल रहा होगा, उपासक से अधिक चढ़ावा मिल रहा होगा, उस समय लगभग स्थिति अच्छा था। लेकिन धीरे धीरे यही सब मिलने के कारण जो है उसमें बदलाव आया और इस धर्म को जो है खराबी के तौर पर लिखा गया, ठीक है। तो स्त्रियों का संघ में प्रवेश, इसको ही बहुत बड़ा कारण माना जाता है, इसको तो बुद्ध ही बहुत बड़ा कारण बता चुके थे, आप लोग को हम बताए भी थे अपने वीडियो में कि बुद्ध ने आनंद से डायरेक्ट कहा था कि जिस दिन इस धर्म में स्त्रियों का प्रवेश हो गया तो उस दिन धर्म ये बहुत कम चल पाएगा, आधा भी नहीं चल पाएगा जितना हम सोचे हैं। वो सोचे थे कि कम से कम 1000 ईस्वी तक ये धर्म चलेगा, लेकिन स्त्रियों का प्रवेश ये 500 ईस्वी भी नहीं चल पाएगा। तो स्त्रियों का प्रवेश भी उस समय में एक इसमें निगेटिव पॉइंट माना जाता है बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म को पीछे करने में। तो ये सब था एग्जाम्पल जो कि आपको देना है, जब एग्जाम में पूछा जाएगा, कभी सब्जेक्टिव एग्जाम में आप बैठिएगा तो आपसे पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म में पतन का क्या क्या कारण था, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। तो ये सभी पॉइंट को आप वहाँ पर नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इस वक्त और क्या हुआ, अब इसके बाद क्या हुआ, जब इस धर्म में इतनी ज़्यादा खराबियाँ आ गई, लोग जान गए कि नहीं ये धर्म जो है मतलब सही नहीं है, जिसको हम छोड़ करके आए थे वही अच्छा था, ये उतना अच्छा नहीं है, जब ऐसा होने लगा तो फिर देखिएगा आगे चल के क्या होता है, क्योंकि साम्राज्य का विस्तार भी हो चुका है, क्योंकि 12वीं शताब्दी का समय आ चुका है, 10वीं शताब्दी का समय आ चुका है, 11वीं शताब्दी, तो उस समय तक साम्राज्य भी स्थापित हो चुका है। तो यहाँ पे देखने के लिए क्या मिलता है कि पुष्यमित्र सुंग, यानी कि जो संस्थापक थे, ब्राह्मण शासक थे, जो संस्थापक थे सुंग वंश का, पुष्यमित्र सुंग के द्वारा बौद्धों को प्रताड़ित किया जाने लगा। मतलब ये सब देख करके किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, तो बौद्धों को प्रताड़ित किया जाने लगा, दंड वगैरह दिए जाने लगे, बिना मतलब का उनको तंग किया जाने लगा। तो ये भी कारण था कि यहाँ से बौद्ध धर्म का पलायन, बौद्ध भिक्षुक जितने थे वो भागने लगे यहाँ से। फिर देखेंगे दूसरा कारण कि शैव संप्रदाय के राजा मिहिर कुल, याद रखिएगा शैव संप्रदाय मतलब शैव धर्म को मानने वाले, मिहिर कुल जो थे सैकड़ों बौद्ध को मौत के घाट उतार दिए, मतलब मार डाले। इससे ही बहुत सारे बौद्ध भिक्षुक प्रभावित हुए कि यहाँ रहना बहुत डेंजर है मेरे लिए, हमें यहाँ से भागना होगा। तो वो बहुत ज़्यादा बहुत आगे मतलब ये देश को छोड़ करके जहाँ तहाँ बसने लगे। और आज आप देखेंगे कि इस देश में जो बौद्ध धर्म की स्थिति है, इससे बहुत ही बेहतर आगे जितने भी देश में बसे हैं बौद्ध धर्म वाले वहाँ पे है, जैसे चीन में देखेंगे आप लोग, म्यांमार में देखेंगे, श्रीलंका, थाईलैंड, यहाँ सब बहुत अच्छा स्थिति है। लेकिन भारत में बहुत ही स्थिति खराब हो गया था 12वीं शताब्दी में जाकर के, जो आज भी उतना ही है। फिर देखेंगे हम लोग आगे शैव धर्म के संबंधित शिव भक्त, जिसको हम कह सकते हैं शशांक, जो कि बंगाल का रहने वाला था, शशांक काफ़ी फेमस है और इसको क्वेश्चन भी बहुत बार आपसे पूछा जाता है, तो उसको याद कर लीजिएगा। ये दो कम देखते हैं लेकिन ये ज़्यादा देखते हैं कि शशांक के द्वारा सबसे बड़ा काम किया गया बौद्ध भिक्षुक को प्रभावित करने के लिए, क्या किया गया कि बौद्ध गया के बौद्धि वृक्ष को ही कटवा दिया गया। ये बौद्धि वृक्ष क्या है, जहाँ पे बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो कितना महत्वपूर्ण होगा बौद्ध भिक्षुकों मतलब बौद्ध धर्म के लिए, उसको सोच सकते हैं। तो शशांक ने उसको कटवा दिया था बौद्धि वृक्ष को, ये बहुत बड़ा काम किया, इसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था वो धर्म जाकर के। तो ये सब काम जो आप देख सकते हैं, जो कि उस समय का राजा कह सकते हैं किए थे बौद्ध धर्म को पीछे करने के लिए, बौद्ध धर्म को विभाजित करने के लिए, बौद्ध धर्म को यहाँ से हटाने के लिए, तो यही सब कारण जो है पतन का माना जाता है। और अब चलिए हम लोग कुछ समकालीन पे बात करते हैं, समकालीन क्या है, उस समय के साथ उभरते और भी धर्म के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं उसी को हम लोग समकालीन बोलते हैं। जैसे कि आपको हम शुरू में बताए थे कि जब बौद्ध धर्म का विकास हो रहा था तो उस समय में उस ईस्वी में 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में करीब करीब 60 से 65 छोटे बड़े धर्म का यानी संप्रदाय का उदय हुआ था, जिसमें से हम देखेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और भी कई धर्म जो कि हमें पढ़ना है, हल्के तौर पे आप कहीं से भी इसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहला आपका देखेंगे वैष्णव धर्म, मतलब इसमें विष्णु का उपासना किया जाता था, विष्णु इसके प्रधान होते थे, इसमें विष्णु का पूजा किया जाता है, विष्णु भगवान का, तो वैष्णव धर्म उससे संबंधित था। शैव धर्म आप समझ रहे होंगे, शिव भगवान का इसमें पूजा किया जाता था, तो शैव धर्म था। उसके बाद देखेंगे हम लोग ईसाई धर्म भी था उस समय में, तो उसी समय में ये धर्म उभरे थे, लेकिन इसके बारे में उतना डिटेल से हमें नहीं पढ़ना है। ईसाई धर्म इन्हीं ने तो मतलब ईसवी की स्थापना की थी, आज जो हम लोग ईसवी पढ़ते हैं तो इन्हीं के बाद जो हुआ काम, वो ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक थे,
ईसा मसीह उनका जन्म के बाद जो हुआ वो ईसवी हुआ, उसके पहले जो हुआ वो ईसवी पूर्व की घटनाएं हुई, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म के संस्थापक प्रवर्तक माने जाते हैं हजरत मोहम्मद, जिनका जन्म 540 ईस्वी में हुआ था, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे पारसी धर्म, पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्ट माने जाते हैं, जरथुस्ट, और इनका जो है पवित्र, ये पवित्र ग्रंथ जो है जैन अवेस्ता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया होगा आपसे कि जैन अवेस्ता किस धर्म का पवित्र धर्म है, बहुत ही फेमस धर्म है, ग्रंथ है, तो पारसी धर्म वालों का, ठीक है। पारसी धर्म वालों का सबसे फेमस ग्रंथ, सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो जैन अवेस्ता। तो ये सारा पॉइंट था जो कि बौद्ध धर्म संबंधित था, और समकालीन में आपने समझा कि ये सभी धर्म भी अलग अलग उपजे थे एक समय में, तो इसको भी आप लोग कहीं मिले तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, खास करके जो इंपॉर्टेंट था हम उसको बता दिए, ठीक है। चलिए, ये था आप लोग का इतिहास बौद्ध धर्म का। यहाँ पे जाके बौद्ध धर्म का इतिहास दी एंड होता है, लेकिन आप लोग का काम और आप लोग का मेहनत दी एंड नहीं होता है। आप लोग को और भी सारी चीज़ें आप लोग को किसी भी बुक से, जो भी जीके इसका बुक है उसे पढ़िए, सेट को लगाइए इस चैप्टर संबंधित, आप लोग को ज्यादा क्लियर होगा, और एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था आप लोग का बौद्ध धर्म का इतिहास, और हम कोशिश करें कि इसका एक रिवीजन वीडियो भी ला दें, मतलब एक दो तीन पार्ट में जिसको हम पढ़ाए हैं इसका एक रिवीजन वीडियो होगा, वो एक ही में मतलब ऐड रहेगा, तीनों पार्ट, वन पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, एक ही वीडियो में ऐड रहेगा, और काफ़ी जल्दी उसको हम रिवीजन करवा देंगे आप लोग को, ताकि इतना डिटेल में जो आप पढ़ें एक वीडियो में उसका रिवीजन किया सके, उसका भी हम प्रयास करेंगे वो वीडियो देने का, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को सारा चीज़ें समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, आप लोग को हेल्प मिला होगा पढ़ने में, तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर इसी वीडियो के साथ हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं इससे पहले का जो भी प्राचीन इतिहास पे वीडियो चल रहा है, सीरियली चल रहा है एकदम फाउंडेशन क्लास की तरह, अगर उसको नहीं देखे हैं तो यहाँ पे एक लिंक आ रहा होगा, इस पे क्लिक करिए, सारा वीडियो आपको सीरियली मिल जाएगा, एक एक करके सबको देख लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।